Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about have to. आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों have to के बारे में. Have to क्या होता है समझते हैं. जैसे मान लो आप किसी काम को मजबूरी में करते हो, जैसे आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना है, तो यहाँ पे हम have to का यूज करेंगे. यानी आप ऐसे कह सकते हो आप किसी काम को करना नहीं चाहते हो या फिर किसी काम को आपको करने का मन नहीं है लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहां पे हम have to का यूज करेंगे. सो गाइस, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे झाड़ू लगाना है या फिर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सो दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है. सब्जेक्ट आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है और प्लूरल हो सकता है. जैसे योर ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, His brothers, her daughters, their parents, our daughters, etc. इसमें हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे. फिर इसके बाद आपको लगाना है दोस्तों हैव टू. फिर इसके बाद आप पुट करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मुझे झाड़ू लगाना है या फिर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे. सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा आई. फिर इसके बाद आपको यूज करना है दोस्तों हैव टू. हैव टू फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाना का इंग्लिश होता है स्वीप. कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई हैव टू स्वीप. सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपको चाय बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले रूल के अनुसार हमें क्या यूज करना है. हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यू. फिर इसके बाद पुट करना है दोस्तों हैव टू. हैव टू फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा मेक. फिर इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. सो गाइस अब मान लो कि आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, जैसे मुझे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, मुझे चाय नहीं बनाना है, तो दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. सो गाइस इसे इंग्लिश में बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सो गाइस रूल के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है. आई हो सकता है, वी, दे, यू और प्लूरल. जैसे योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, माय पेरेंट्स एटसेट्रा. फिर इसके बाद आपको पुट करना है दोस्तों डोंट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हमें क्या यूज करना है. हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यू. फिर इसके बाद आपको पुट करना है गाइस डोंट हैव टू. डोंट हैव टू फिर इसके बाद पुट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फिर इसके बाद आप पुट करोगे ऑब्जेक्ट कुक फूड. कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस यू डोंट हैव टू कुक फूड. आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है. सो गाइस अब मान लो आप कि आपको किसी से जानना हो कि क्या आपको रोज
ऑफिस जाना पड़ता है, क्या आपको रोज चाय बनाना पड़ता है, तो इसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। सो गाइस, इसका स्ट्रक्चर है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों, रूल के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है गाइस? सब्जेक्ट आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, इसमें कोई सिंगुलर नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपको पुट करना है हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यू। फिर इसके बाद आपको पुट करना है गाइस हैव टू, हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा गो। फिर इसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट गो टू ऑफिस। क्या आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू ऑफिस। सो गाइस, अब मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आपको इंग्लिश बोलना है। मुझे चाय बनाना पड़ता है, मुझे चाय बनाना पड़ता है। आई हैव टू मेक टी, आई हैव टू मेक टी। मुझे चाय नहीं बनाना पड़ता है, मुझे चाय नहीं बनाना पड़ता है। आई डोंट हैव टू मेक टी। क्या मुझे चाय बनाना पड़ता है, क्या मुझे चाय बनाना पड़ता है? डू आई हैव टू मेक टी, डू आई हैव टू मेक टी। आपको मार्केट जाना है, यू हैव टू गो टू मार्केट, यू हैव टू गो टू मार्केट। आपको मार्केट नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो टू मार्केट, यू डोंट हैव टू गो टू मार्केट। क्या आपको मार्केट जाना है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट, डू यू हैव टू गो टू मार्केट। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, हमें इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है। वी डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्या हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है? डू वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। वे लोगों को रोज ड्राइव करना पड़ता है, दे हैव टू ड्राइव एवरी डे, दे हैव टू ड्राइव एवरी डे। वे लोगों को रोज ड्राइव नहीं करना पड़ता है, दे डोंट हैव टू ड्राइव एवरी डे, दे डोंट हैव टू ड्राइव एवरी डे। क्या वे लोगों को रोज ड्राइव करना पड़ता है? डू दे हैव टू ड्राइव एवरी डे, डू दे हैव टू ड्राइव एवरी डे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। थैंक यू।